हेलो दोस्तों, आगे के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी थी, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, एलसीडी। तो हमने आगे ऐसा देखा कि जो भी डिवाइस है वो रिवर्स बायस में कंडक्ट होती हैं। अगर जंक्शन पे लाइट फॉल करती है, जंक्शन पे लाइट आती है, फोटोन आता है, तो वहां पे माइनॉरिटी चार्ज क्लियर फ्री होते हैं, जिसकी वजह से डिवाइस कंडक्ट होती है। और ये सारे डिवाइसेस है वहां पे जंक्शन पे लाइट आता है, बाहर से लाइट एमिट होता है। हमने पीवी सेल में भी यही चीज देखी। तो यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड की बात करेंगे, एलईडी, जो हम काफी परिचित है जिससे और काफी सारा हमारे यूज में आता है। तो इसका कंसेप्ट ये है, इट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। मैंने आपको आगे के वीडियो में ऐसा बताया था, ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिवर्स बायस में कंडक्ट होती है, लेकिन आपका एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है। इफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड होल्स एंड इलेक्ट्रोड रिकम्बाइन एट वैलेंस बैंड, एनर्जी इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये जो आपका एलईडी होता है, यहाँ पे बेसिकली जैसे भी आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होल पैड रिकम्बाइन होते हैं, तो आपको पता है एनर्जी रेडिएटेड होती है। तो एनर्जी रेडिएशन जब होती है जंक्शन पे, तो ये इन फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ पे रहेगी, और उसका जो लाइट है वो हम लोग जो मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करते हैं, वो लाइट का जो कैसिंग होता है उस प्रकार आपको लाइट मिलेगी। इसका डायग्राम ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, पीवी सेल की तरह से ही कुछ है। पीवी सेल में भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे सिर्फ एपिटेक्सल जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है उस प्रकार एन टाइप ग्रोथ किया होता है, पी टाइप के ऊपर एन टाइप का ग्रोथ किया होता है। और यहाँ पे फर्क इतना है, ये लाइट एमिट करता है, आगे वाले सारे डिवाइसेस में लाइट आपका फॉल होता था ये डिवाइस के जंक्शन पे। तो ये इतना फर्क है। एन टाइप एपिटेक्सल लेयर ग्रोथ ऑन द सबस्ट्रेट, आपका एन टाइप एपिटेक्सल पी टाइप पे ग्रोथ किया जाता है। एपिटेक्सल एक तरह का प्रोसीजर होता है जो वहां पे उसको प्रोसीजर की मदद से ग्रो किया जाता है, तो ये एन टाइप को ग्रो किया जाता है। और पी टाइप लेयर है आपका होता है वो एन टाइप के ऊपर होता है, ये पी टाइप यहाँ पे एन टाइप के ऊपर डिफ्यूजन प्रोसेस से ग्रोथ किया जाता है। द गोल्ड फिल्म लेयर इज नीडेड टू रिफ्लेक्ट और एमिट द लाइट, आपका आगे गोल्ड या सिल्वर हमने पीवी सेल में भी यूज किया था। सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी कंडक्टिंग मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, गैलियम फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं, और डिफरेंट शेप में हमको एलईडी मिल जाता है। सिंबल आपका डायोड का सिंबल और ये एरो लाइट एमिट करता है, इस वजह से बाहर है। अदर सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में जो एरो है वो इनसाइड आता है, यहाँ पे आउटसाइड जाएगा। इतना एक फर्क है। वर्किंग है, इट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड में ऑपरेट है 10 टू 25 मिली एम्प्स करंट यहाँ पे उसको चाहिए, बहुत ही माइनर करंट है। और इलेक्ट्रॉन सेंटर द कंडक्शन बैंड एंड रिकम्बाइन विद होल, आपका होल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन जब रिकम्बिनेशन होता है वहां पे एनर्जी रेडिएट होती है जो लाइट के फॉर्म में होती है। इसका एडवांटेज ये लंबी लाइफ है, ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ही कम है और स्विचिंग फास्ट है। डिसएडवांटेज रहेगा तो पावर एलसीडी की कंपेयर में ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन अभी काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है तो ये लेकिन टेक्निकली यहाँ पे पुराना डेटा है। इन एम्बियंट लाइट एक डिस्प्ले सीन डिम, आपका जो डिस्प्ले है वो लाइट में थोड़ा सा डिम दिखेगा, वहां पे इतना लाइट नहीं दे पाता। एप्लीकेशन आपका पायलट इंडिकेटर, ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टो आइसोलेटर के बारे में हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डिस्प्ले नंबर्स, नंबर डिस्प्ले करने के यूज होता है। तो ये हुआ लाइट एमिटिंग डायोड, और इसका आगे हम लोग देखते हैं और इसका एप्लीकेशन आएगा। ऑप्टो कपलर, ये ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो आइसोलेटर है, या कुछ भी कह लीजिए, ऑप्टो आइसोलेटर भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू आइसोलेट पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका जो भी ऑप्टो कपलर है या ऑप्टो आइसोलेटर है, कई बार क्या होता है काफी सारी एप्लीकेशन में कंट्रोल के लिए हम लोग डीसी वोल्टेज का यूज करते हैं। हमारे सारे कंट्रोलर, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोलर्स आर वर्किंग ऑन डीसी डायरेक्ट करंट, और वोल्टेज लेवल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहां पे 5 वोल्ट 12 वोल्ट होगा, और हमारी पावर सर्किट है वो 230 वोल्ट पे होगी। तो दोस्तों ये दो वोल्टेज पे जब काम करना पड़ता है तो वहां पे ऑप्टो आइसोलेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। और वो आइसोलेशन क्यों प्रोवाइड करता है, वो आइसोलेशन
जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर कह लीजिए, ट्रांसफॉर्मर में फिजिकल प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसी प्रकार ऑप्टो आइसोलेटर ऑप्टो कपलर में भी इसी प्रकार कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है आपका एनर्जी ट्रांसमिट विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, इस वजह से आपका जो सेकेंडरी डिवाइसेस है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। फोटोडायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, लाइट एक्टिवेटेड SCR, LACL जिसे कहेंगे, वो LED के ऑपोजिट रहेगा। द कंप्लीट अरेंजमेंट इज कैप्ट इन DIP ड्यूअल इन लाइन पैकेज। तो आइसोलेशन रिले रेजिस्टेंस इज अबाउट 10^11 ओम एंड आइसोलेशन वोल्टेज इज अबाउट 2500 वोल्ट। बहुत ज्यादा वोल्टेज बेयर कर सकता है, आप देखते हो 2500 वोल्ट बेयर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है वो देखेंगे, इतना समझ लीजिए ये एक LED है और दूसरे सारे अदर डिवाइसेस है। तो ये LED है, लाइट एमिट करता है, हमको पता है। तो प्राइमरी साइड हमारा LED रहेगा जो लाइट एमिट करेगा, और सेकेंडरी साइड जो डिवाइसेस लाइट से ऑपरेट होते हैं, फोटोडायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, LACL या काफी सारे, वो डिवाइसेस को हम सेकेंडरी में यूज करेंगे, तो वहां पे फिजिकल कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इसके टाइप्स है LED फोटोडायोड ऑप्टो कपलर, LED फोटो ट्रांजिस्टर, LED फोटो डार्लिंगटन ऑप्टो कपलर, LED LACL लाइट एक्टिवेटेड SCR, LED लाइट एक्टिवेटेड ट्रायक ऑप्टो कपलर। तो ये सारे है, आप देखिए प्राइमरी में LED है, इसका मतलब कि वहां पे सप्लाई देंगे तो लाइट एमिट होगा। और सेकेंडरी में देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये डायोड है, ये LED है जो लाइट एमिट करता है, उसकी लाइट की मदद से सेकेंडरी डिवाइस ऑपरेट होगा। यहाँ पे देखिए आपका ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे डार्लिंगटन पेयर को यूज किया गया है, दो ट्रांजिस्टर की कपल को, उसको एनर्जाइज के लिए LED का आउटपुट वहां पे दिया जाता है। यहाँ पे आपका देखिए ये आपका डायक कह लीजिए, बेसिकली ट्रायक है, ट्रायक है, तो आपका ट्रायक आ गया। तो देखिए यहाँ पे लाइट से ऑपरेट होता है, और ये देख लीजिए ये हमारा SCR आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, समझिए कि प्राइमरी साइड आपका सप्लाई दिया गया है, और LED के जो लाइट एमिट होती है उससे सेकेंडरी डिवाइस एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, इसीलिए 2500 वोल्ट तक भी आपको आइसोलेशन मिल सकता है। और आपके आगे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाओगे दोस्तों, आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से क्या होगा कि उसको आइसोलेशन मिल जाएगा, उसको 230 वोल्ट या ऐसा नहीं मिलेगा, जो उसके 5 वोल्ट 12 वोल्ट रनिंग वोल्टेज है उतना ही मिलेगा। तो ये समझ सकते हो आप कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर यूज होते हैं। तो कंसेप्ट इसका यही है, एक LED डिवाइस होती है जो प्राइमरी डिवाइस कहते हैं, और सेकेंडरी डिवाइस में अदर लाइट ऑपरेटेड हम लोग डिवाइस रखते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये दो डिवाइस है, ये दोनों के बीच में आइसोलेशन होता है, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता। तो ये IR जब रेडिएशन जहाँ पे होता है LED की में से, तो ये LED का लाइट वहाँ पे फॉल करता है सेकेंडरी डिवाइस पे, इसी वजह से सेकेंडरी डिवाइस एक्टिव होती है और वहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये कोई सिग्नल ही ट्रांसमिट करता है, ये पावर ट्रांसमिट नहीं करता, तो इसकी वजह से हमको सेकेंडरी डिवाइस को सिग्नल मिल पाता है और वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारी डिवाइस है, और सारी डिवाइस का फंक्शन एक सा है। आपको अलग से भी पूछे तो भी आपको डायग्राम ड्रॉ करके यही लिखना है, क्योंकि कंसेप्ट बेसिकली सेम है। एडवांटेज है नो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मर के जैसा ट्रांसफॉर्मर फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लिंक आती है, तो वहाँ पे वो लॉस भी होगा, यहाँ पे वो भी नहीं मिलेगा। सेफ ऑपरेशन है, और नॉइस यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलता। एप्लीकेशन बहुत सारी है दोस्तों, रिमोट ऑपरेशन है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन है, स्विच वगैरह है। 7 segment display, 7 segment display आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, ठीक है, 7 segment LED display। तो आपने देखी होगी काफी सारी दोस्तों, तो फैब्रिकेटेड होती है, तो वहाँ पे आपको टोटल 7 segment मिलते हैं। तो हम इनको मान लीजिए कहते हैं ABCDEFG, तो आपको जो भी नंबर देखना है वहाँ पे उस LED को आपको एक्टिवेट करना है। तो LED को हमको स्पेशल पैटर्न में एनर्जाइज करना पड़ेगा। हमको अगर सिर्फ अल्फाबेट की यहाँ पे हम बात करेंगे, नंबर्स की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अल्फाबेट आप अपनी तरह से डेवलप कर सकते हो। नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 0 to 9 नंबर डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले होती है, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। ये देखिए यहाँ पे ये जो डिवाइस है, ये
आपका एक सिंपल है और कॉमन कैथोड टाइप का स्ट्रक्चर है, और एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो एरो बाहर की तरफ है। कॉमन कैथोड डिस्प्ले की डायग्राम इस प्रकार होगी, और यहाँ पे इसको मेरे को जो भी नंबर चाहिए वो एलईडी को मैं यहाँ पे एक्साइट करूंगा। तो इसका ये ट्रूथ टेबल है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए जीरो मुझे बताना है, तो ये जी एक्टिवेट नहीं होगा, इसका मतलब जी जीरो, तो जीरो पे आप देख लीजिए जी जीरो है, बाकी सारे वन है। तो ये कॉमन कैथोड स्ट्रक्चर में इस प्रकार हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखिए वन है, तो बी और सी को हम मान लीजिए एक्टिवेट करना है, तो वन में देख लीजिए बी और सी यहाँ पे वन है, तो ये ट्रूथ टेबल आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है, और इसी प्रकार ये वर्क करता है। ये टू देख लीजिए, टू में आपका एफ और सी दो ही जीरो है, तो टू में एफ और सी दो ही जीरो है। इसी प्रकार थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हम सारे नंबर्स यहाँ पे बता पाएंगे। अल्फाबेट की मैं यहाँ पे बात नहीं करता, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार मान लीजिए कॉमन एंड्रॉइड स्ट्रक्चर है, तो वहां पे आपका कॉमन जो टर्मिनल है वो बदल जाएगा, लेकिन वो जहाँ पे जीरो था उसकी जगह पे वहां वन आ जाएगा, और वन की जगह पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कॉमन एनोड स्ट्रक्चर के लिए मुझे ये नहीं एक्टिवेट करना, तो इसको मैं वन दूंगा, तो यहाँ पे जी को मैंने वन दे दिया जीरो के लिए। इसी प्रकार आप अदर नंबर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे नंबर्स हो गए, तो इसी प्रकार आप सेवन सेगमेंट डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। उसका ट्रूथ टेबल आपको याद भी नहीं रखना है, आप ऐसे ही आप डेवलप कर पाते हो। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड स्ट्रक्चर होते हैं। एप्लीकेशन होती है, डिजिटल इक्विपमेंट्स होती है, डिजिटल क्लॉक ले लो, डिजिटल मल्टीमीटर ले लो, कैलकुलेटर ले लो, और काफी सारे डिवाइसेस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कोशिश किया कि आपको मैं कुछ डिवाइसेस बता सकूँ, के जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और आई होप मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।